हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर के दुर्गा कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार को दिन में पानी सप्लाई के दौरान अचानक मुख्य पाइपलाइन बस्ट हो गई, जिसके कारण लगभग 2 घंटे तक यहां से पानी तेज धार के रूप में व्यर्थ बहता रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी यह व्यर्थ बहते पानी की सप्लाई को नहीं रोका गया, जिससे दुर्गा कॉलोनी की आसपास की गलियां भी जलमग्न हो गई। पाइपलाइन बस्ट होने के कारण पूरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी बाधित हो गई। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।